किस तरीके की सोच समझ और परिवेश हमने अपने लिए बना ली है कि हमारा अहम अहंकार और क्रोध सबसे ऊपर हो गया है, इतना ऊपर कि किसी भी चीज को रौंदने में हमें जरा सा भी करुणा का भाव नहीं होता। क्या वाकई में इस दुनिया का माहौल हमारा अहम अहंकार और क्रोध इतना हो गया है कि हम अपने रिश्तों को रौंदने में भी जरा सा भी नहीं हिचकिचाते? वो रिश्ता जो हमने जोड़ा, जिसमें हमें चैन सुकून सुख मिला, वही रिश्ता हमारे लिए इतना घृणित हो गया? अपने क्रोध अहम अहंकार के कारण एक बदले की भावना, कैसा ये संसार हो गया है, कैसी विचारधारा बन गई है, कैसा परिवेश आ गया है। सच ही कहा है किसी ने कि जब किसी इंसान के ऊपर अहम अहंकार उत्तेजना और क्रोध का उन्माद हावी होता है तो वो पागल हो जाता है। अब कुछ ऐसी ही स्थिति हम सभी की बनती जा रही है। अगर समय आते हमने अपने संयम सहनशीलता और धैर्य का परिचय न दिया तो न जाने आगे क्या ही हो। ऐसी घटनाएं जीवन को शर्मसार करने वाली तो है ही, लेकिन उससे कहीं अधिक ये हम सभी को सीख देने वाली है। हमें अब सोचना विचारना होगा कि जिस जीवन शैली को हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चमक धमक में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वाकई में हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सही है? सक्सेस, कामयाबी जीवन में जरूरी है, लेकिन क्या वो जीवन से जरूरी है? उस सक्सेस, उस कामयाबी का अर्थ ही क्या जो आपके अंदर सहनशीलता का बोध ना करा सके, जो आपके अंदर करुणा के भाव को जन्म ना दे सके, जो आपको इंसान से जानवर हैवान बना दे? ऐसे सक्सेस और कामयाबी को पाने का क्या ही अर्थ है, क्या ही मतलब है? इस अहम अहंकार और उन्माद से कहीं अधिक अच्छा जीवन तो वो है जो मौन है और गौन है।